द इंडियन न्यूज रूम नाम की एक किताब है, एनडीटीवी समाचार चैनल के पूर्व कर्मचारी द्वारा लिखी गई है। इस किताब में कांग्रेस और मीडिया के बीच उस वक्त के तमाम बड़े खुलासे किए गए हैं। किताब को उस संदीप भूषण ने लिखा है जिन्होंने इस समाचार चैनल में यानी कि एनडीटीवी में लंबे समय तक काम किया है। इस किताब में एनडीटीवी और कांग्रेस के बीच मधुर संबंधों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। किताब यहां तक दावा करती है कि यह चैनल महज कांग्रेस का समर्थन ही नहीं करता बल्कि पार्टी के भीतर भी अच्छी भली सक्रियता रखता है। किताब के 110वें पन्ने पर संदीप भूषण एनडीटीवी पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हैं। वह लिखते हैं कि एनडीटीवी समेत इसके तमाम कर्मचारी बस वही खबरें चलाते थे जिनसे कांग्रेस पार्टी को फायदा होता। यूपीए फर्स्ट के दौरान जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और सोनिया गांधी पार्टी की मुखिया, तब संदीप के एक सहकर्मी ने रिपोर्ट तैयार की थी। रिपोर्ट में यह बताया गया था कि राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल में हुए शपथ ग्रहण समारोह के दौरान प्रोटोकॉल से बदल दिए गए थे ताकि सोनिया गांधी न सिर्फ उस कार्यक्रम का हिस्सा बन पाए बल्कि उन्हें पहली पंक्ति में बैठने की जगह भी मिले। हैरानी की बात तो तब हुई कि इस रिपोर्ट को चैनल ने सिरे से खारिज कर दिया, जिसके बाद रिपोर्ट तैयार करने वाले संदीप के सहकर्मी ने नौकरी से इस्तीफा भी दे दिया। हालांकि इस एक्सक्लूसिव खबर को खारिज करने की कोई वजह तब के संपादकों ने उस रिपोर्टर को कभी बताई ही नहीं। इसके अलावा संदीप भूषण ने एनडीटीवी के कई वरिष्ठ कर्मचारियों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि कुछ वरिष्ठ पत्रकार कांग्रेस पार्टी में इतना उलझे रहते थे कि वह चुनाव के दौरान 6 महीनों तक गांधी परिवार के पीछे भागते हुए बिता देते थे। कांग्रेस पार्टी और एनडीटीवी के बीच संबंधों पर संदीप भूषण ने कई बड़े खुलासे किए हैं और ऐसा ही एक खुलासा था नटवर सिंह को लेकर। अपनी किताब के 117वें पन्ने पर उन्होंने दावा किया कि एनडीटीवी की खास वोल्कर रिपोर्ट की वजह से नटवर सिंह को कैबिनेट से हटाया गया, लेकिन यह वोल्कर रिपोर्ट आम रिपोर्ट नहीं थी बल्कि इसके पीछे कांग्रेस की एक पूरी लॉबी थी। संदीप भूषण ने किताब में लिखा कि साल 2005 में एनडीटीवी के भीतर एक अलग टीम तैयार की गई थी जिसकी अगुवाई सोनिया सिंह और बरखा दत्त कर रही थी। इस टीम ने सिरे से अभियान चलाया जिससे नटवर सिंह को कैबिनेट से बाहर निकाला जा सके। तभी ऐसी खबरें चलाई गई कि वह संयुक्त राष्ट्र के ऑयल फॉर फूड प्रोग्राम के अंतर्गत अवैध रूप से इराक का कच्चा तेल बेचने में शामिल थे। इस घटना से एक बात तो साफ हो ही गई कि एनडीटीवी सिर्फ कांग्रेस के पक्ष में ही काम नहीं करता बल्कि उसकी पार्टी के भीतर भी अहम भूमिका है। संदीप भूषण ने लिखा है कि वही और खातों की औसत समझ और जानकारी रखने वाले एक रिपोर्टर को इसके लिए रखा गया था, बाकी के रिपोर्टर्स को भी हर दिन इससे जुड़ी खबर खोजने के लिए भेज दिया जाता था। किताब में इस बात का अच्छे से उल्लेख किया गया है कि कैसे हर दिन संपादकीय टीम की बैठक सिर्फ इस बात पर केंद्रित होती थी कि किस तरह नटवर सिंह को कैबिनेट से बाहर निकलवाया जाए। हद तो तब हो गई जब नटवर सिंह को कैबिनेट से निकाला भी गया। अब अमूमन किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए किसी मंत्री को भ्रष्टाचार मामले में रिपोर्टिंग के दम पर कैबिनेट से बाहर निकलवा देना बड़ी सफलता मानी जाती है और वो इसे सार्वजनिक बड़ी खबर बड़ा असर जैसे शब्दों के साथ भी करते हैं, लेकिन एनडीटीवी के इस कैंपेन का नाम तो दूर कहीं जिक्र तक नहीं आया। नटवर सिंह के खिलाफ एनडीटीवी का यह कैंपेन उस वक्त उभर कर सामने आया जब यहां के एक संपादक ने इस मामले को तूल दिया। यही संपादक नटवर सिंह की बहू नताशा से जुड़े आत्महत्या के मामले की भी तहकीकात में भी शामिल था। नटवर सिंह ने अपनी आत्मकथा वन लाइफ इज नॉट इनफ में उन ताकतों को दोष देते हैं जो उनके साथ हुए गलत व्यवहार के लिए जिम्मेदार थे। वह अपनी किताब में लिखते हैं, मीडिया ने पहले ही तय कर लिया था कि मैं दोषी हूं। यह पंक्ति उनके जहन में कुछ दिग्गज मंत्रियों के द्वारा भरी गई थी। इसके अलावा संदीप भूषण ने राजदीप सरदेसाई पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि राजदीप किसी रिपोर्टर को कांग्रेस से जुड़ी निष्पक्ष और संतुलित पत्रकारिता करने का मौका ही नहीं देते थे।
एक बार तो खुद संदीप की रिपोर्ट राजीव ने बदलवा दी थी। संदीप भूषण ने लिखा कि मुझे याद है साल 2005 के दौरान मैं सोनिया गांधी के आवास पर एक लाइव शो कर रहा था। उस रिपोर्ट में इस बात की जानकारी थी कि झारखंड के तत्कालीन राज्यपाल सिप्तेराजी ने संविधान की अवहेलना की, जिसे देखते ही राजदीप सरदेसाई ने पूरी तरह से बदलने का निर्देश दे दिया। और तो और राजदीप सरदेसाई ने ठीक मेरे पीछे खड़े होकर अंत तक निगरानी रखी कि मैं उनके बताए हुए बदलाव कर रहा हूं या नहीं। तो इस तरह से कांग्रेस और मीडिया की मिलीभगत चल रही थी। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपकी क्या राय है एनडीटीवी और कांग्रेस के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही खबरों के लिए अपना इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।